इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। महाराष्ट्र का जो सियासी ड्रामा है, इसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की एंट्री हो गई है, और किस रूप में टीएमसी की एंट्री हुई है ये जरा समझिए। दरअसल असम की राजधानी गुवाहाटी, जहां पर इस वक्त होटल के भीतर शिंदे गुट के विधायक मौजूद हैं, उसी होटल के बाहर टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे रुक करते हैं, मनोज गलोईवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ क्यों पहुंचे, किस बात का विरोध? देखिए, गो बैक का स्लोगन लगाते हुए इस समय तृणमूल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, पुलिस हटा रही है, और पूरा प्रयास इस समय आवाज उठाकर ये आरोप लगाने का कि जिस तरह से खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि वो यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं असम में बैठकर महाराष्ट्र की, और गो बैक के स्लोगन ये कहते हुए कि शिवसेना के को जिस तरह से सरकार को खतरे में डाला गया है, ये आरोप लगाते हुए हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने असम में अपना खाता खोला है। रिपुन बोरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन किया है, और ये विरोध प्रदर्शन सवाल उठाते हुए, विरोध करते हुए, ये कहते हुए कि इसके पूरे प्लान के पीछे बीजेपी का हाथ है, गो बैक के स्लोगन्स लगाते हुए न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि इस समय शिवसेना के इस गुट के यानी एकनाथ शिंदे गुट के विरोध में भी। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को थी, इसलिए तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। किसी भी तरह के पुलिस का वेपन्स या फिर बाकी टीयर गैस शेल्स का भी इस्तेमाल करने की फिलहाल रोक है, ये कहते हुए कि जितना संभव हो सके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर उनको जाने दिया जाएगा, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी है। यूं कहें तो ममता बनर्जी का खाता अब असम में भी खुलते हुए विरोध प्रदर्शन के तौर पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बल्कि एक बार फिर सीधा बीजेपी के खिलाफ यहां पर असम में। राजनीति पर क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये नेशनल पॉलिटिक्स प्ले आउट कह सकते हैं इसको, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति असम से तो प्ले आउट की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस समय तृणमूल कांग्रेस भी कूद गई है मैदान में विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन आवाज उठाते हुए और फिर एक बार अपनी बीजेपी के साथ उस कांटे की टक्कर को एक कदम आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर समझना इस बात को होगा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन एकनाथ शिंदे गुट तो बहाना है, दरअसल टीएमसी का बीजेपी पर निशाना है। बाबा, बाबा। पूर्णिया सिटी जानी है। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या?
That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। Curiosity. ABP News, आपको रखे आगे।